मैं मूल निवासी जय भारत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एवन टीवी। एवन टीवी के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है खबरों का उड़न खटोला, जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की खबर। राष्ट्रीय माता अहिल्याबाई होळकर जन्मोत्सव पर महाराष्ट्र के उमरगा तहसील में एक विशाल प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशाल प्रबोधन कार्यक्रम की अध्यक्षता लिंगायत धर्मगुरु कोनेश्वर स्वामी ने की। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में साथियों ने हिस्सा लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। योगी सरकार के 2 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं सुधरी खराब चिकित्सा व्यवस्था, ऐसा एक नजारा संभल के जिला अस्पताल में देखने को मिला। वहां की हालत देखकर माजरा समझ में आ जाएगा। देखिए फर्श पर लेटी महिला मरीज किस तरीके से दर्द से करार रही है, लेकिन डॉक्टर नजरअंदाज कर रहे हैं। बुल्ढाणा में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की ओर से हाल ही में लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में दुष्कर्म की शिकार हुई नाबालिग बच्ची के मामले को लेकर जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, जिसमें भारी संख्या में समर्थकों ने दिया साथ। कन्नौज के जिला अस्पताल में जमकर चल रहे अवैध वसूली, इस बात का खुलासा तब हुआ जब 2 डॉक्टर अवैध वसूली करते हुए कैमरे में हुए कैद। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों का होना था इलाज, लेकिन खुद डॉक्टर ही इलाज के नाम पर मरीजों से अवैध वसूली कर रहे थे। टीला गिरने से मिट्टी की खुदाई कर रही 4 महिलाओं की मौत, मामला फतेहपुर का है जहां के खागा कोतवाली इलाके में कुछ महिलाएं मिट्टी के बने टीले की खुदाई कर रही थी, तभी अचानक टीला हट गया जिसमें दबकर 4 महिलाओं की हो गई मौत। कानपुर देहात में ईवीएम के विरोध में सड़कों पर उतरे भारत मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता, चुनाव आयोग और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी के साथ किया उग्र प्रदर्शन, सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद।